too, cha-cha-cha. Let's do cha-cha-cha. Me and you, cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. Ek do, cha-cha-cha. Aise, bahut acha. Ek do, cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. 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 Ek kadam aage, cha-cha-cha. Ek kadam piche, cha-cha-cha. Ek kadam aage, cha-cha-cha. Ek kadam piche, cha-cha-cha. That's the way, I like it, cha-cha-cha, me and you, cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha, wah-ha, cha-cha-cha, yahoo, cha-cha-cha.
कोशिश मत करो, इससे पहले कि मामला पुलिस तक पहुंच जाए किसी अच्छे वकील को बुलाकर बात कर लो। अब इस मामले में हमारी कंपनी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती कुमार, क्योंकि आज सुबह से तुम सस्पेंड कर दिए गए हो। गोली किसे लगी है? बहादुर सिंह को, लोग उसे राजा के नाम से जानते हैं। कोई तस्वीर है? हाँ है, ये रही वो तस्वीर, उनकी जेब से मिली है। लेकिन मुझे सस्पेंड किस लिए किया गया है? देखो कुमार, इस कंपनी ने जनता के दिल बहलाने के लिए इस देश में 8 क्लब खोल रखे हैं, और दूसरे क्लबों से जितनी आमदनी आती है उससे आधी भी तुम्हारे क्लब से नहीं आती। क्या चक्कर है? चक्कर रोटी का है, लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, वो जुआ खेलने के लिए कहाँ से लाएंगे? और दूसरे क्लबों में जो लोगों की भीड़ लगी रहती है, उनके घरों में नोट छापने की मशीन लगी है। नहीं समझोगे दुलाराम, पुलिस बहुत सख्त हो चुकी है, लोग क्लब में जाते हुए डरते हैं, फिर हमारे देश में जुआ जुर्म समझा जाता है। अच्छा, और तुम्हारे इसी देश में हिसाब का घपला करना जुर्म नहीं माना जाता है? घपला? तुम क्या समझते हो बही खाते में मैंने घपला किया है? तुम्हारे अकाउंटेंट ने मेरा हिसाब चेक करके मुझे सर्टिफिकेट दिया है। अरे भाई, मुट्ठी गर्म करके तो कौन सा भी सर्टिफिकेट मिल सकता है? अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट क्या चीज है? लेकिन ये सब क्यों किया तुमने कुमार? देखो कुमार, पिछले साल जब फर्ग्यूसन तुम्हारा पत्ता साफ करना चाहता था तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा इसे और एक मौका दे दो, ये क्लब इसके हवाले कर दो, क्लब भी चलाएगा और हमारा कर्जा भी चुका देगा। तो मैं समझ लूं कि इस कंपनी से मेरा पत्ता साफ कर दिया गया? हाँ कुमार, आज से तुम बिल्कुल अकेले हो। माय गॉड, इसका मतलब है गोली बहादुर सिंह पर नहीं, मुझ पर चलाई गई थी। कुत्ते कमीने हरामजादे, मैं सोच भी नहीं सकता तुम अपने साथी पर गोली चलवाओगे। मैंने बहुत कोशिश की कुमार, लेकिन ठीक है, अपने आदमी से कह दो अगर वार करना है तो सामने आकर करे, छुप कर नहीं। फर्ग्यूसन से कह देना उसके रुपयों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कैसे? ऐसे लाओगे? वो लोग तुम्हें मार जॉन लॉक्सले की दिली ख्वाहिश है कि सेंट डिसमस टापू पर राजा बहादुर सिंह तशरीफ ले आए। राजा बहादुर सिंह, राजा बहादुर सिंह जूनियर तशरीफ ले आए। तुम राजा बहादुर सिंह का बेटा? जे जी हाँ, मैं उनका लड़का। मैं रोमियो, KPW आएंगे। हम तुम्हारा फादर के बारे में पेपर में पढ़ा, दिल को झटका लगा। अभी कैसा है? बस जान बच गई उनकी। हाँ, वेरी लकी मैन। तुम्हारा फादर को कुछ हो जाता तो हमको बहुत दुख होता जी। आप हमारे फादर को जानते हैं? हम उसको कभी मिला नहीं, पर उसका और हमारा धंधा एक। अपन के धंधे में आदमी को धंधे से नहीं पहचानता, लेकिन उसका काम करने के स्टाइल से पहचानता है। तुम सरजान को पहले कभी मिला जी? तो फिर दुनिया में तुमने कुछ देखा है? इतने इतना कमाल का आदमी है, हाथ मिला तो हाथ का लकीर गायब, नजर मिला तो तकदीर गायब। तुम्हारा फादर, तुम तो बोला है ना? हाँ, मेरे फादर भी उनकी अक्सर तारीफ किया करते हैं। Murray. Oh.
बैंक का डोर है। I'm sorry, very sorry. Take it. Please, Melia. Oh, thank you. Lucky Mina. Yep. So, chill up. एकदम जन्नत की तरह लगता है जी। सेंट डिसमिस जजीरा है कहाँ पर? ये कहीं इंडियन ओशियन में है जी। ये आइलैंड इतना छोटा कि दुनिया का नक्शा में दूरबीन लेके भी देखेगा तो भी नहीं दिखेगा। इसमें टेलीफोन नहीं, रेडियो नहीं, टेलीग्राफ नहीं और टेलीविजन तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे तो यहाँ कोई घर भी नजर नहीं आ रहा। तुम देख बोला जी, इधर एक ही घर है और वो है सर जान का। वो तो देखो जी, ओ ओ ओ ओ, ओ बस बस बस। ए साला रोमियो। ये काउंटेस रास्मा सोन है जी। ए इडली डोसा, हियर आई कम। तुम्हारा हैंडसम दोस्त के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कराओ। बंदे को बहादुर सिंह जूनियर कहते हैं। अगर तुम अपना फादर का असली सन होएगा तो इससे भी आगे जाएगा माय डियर सिंह। बहुत आगे जाऊंगा। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम बहादुर सिंह जूनियर है। सर जॉन ने क्या क्या चीजें जमा कर रखी हैं देखिए कि कितना पुराना है। कौन है आप? मैंने इशारों की जबान कहां सीखी? कोलंबस साहब, इश्क में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। एक दफा पटियाला में गूंगी लड़की से इश्क हो गया था, दिल की बात समझाने के लिए इशारों की जबान मजबूरन सीखनी पड़ी। हाथ नहीं बॉडी मिलाओ। माफ कीजिएगा काउंटेस, एक्सीडेंट में इनकी दाएं टांग बेकार हो गई। ओह पुअर बेबी। शुक्र है सिर्फ टांग ही गई, लेकिन काम के बाकी सभी हिस्से बिल्कुल सलामत हैं। ब्रावो ब्रावो। Good evening. I am Sheila Enders, Sir John's friend and hostess. मैं सर जॉन की तरफ से आप सबसे माफी चाहती हूँ। वो अपनी बीमारी के कारण आज दावत में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। लेकिन आप सबको पूरा यकीन दिलाया जाता है कि किसी भी वक्त उनकी कमी महसूस न होने दी जाएगी। मिस्टर सिंह, बंबई में रहते हैं आप? जी रहता तो नहीं, हाँ पिछले साल फिल्म लाइन के चक्कर में गया था, बात बनी नहीं तो वापस लुधियाना चला गया। क्यों? आपकी शक्ल मेरे एक दोस्त से बिल्कुल मिलती जुलती है, कुमार है उसका नाम। जी फिलहाल क्या करते हैं आप? फिलहाल
हम पीएचडी कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी में। आह मिस्टर सिंह एस्ट्रोनॉमी, आई डिड नॉट नो योर स्टार गेजर। हमको भी बताओ थोड़ा स्टार्स के बारे में। आप सितारों के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आप तो खुद एक सितारा है। एक आंख में राहु, दूसरे में केतु, माथे पे मंगल, चेहरे पे शनि, पूरा शरीर तारों का झुरमट है जी आपका। मेरे ख्याल में अगर हम अपने मेहरबान मेजबान सर जॉन के नाम एक जाम सेहत पिए तो कैसा रहेगा? यो माँ, तुमने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया जी। सर जॉन के नाम, जब तक आप जिंदा रहें खुदा आपकी जेब पर मेहरबान रहे। शुक्रिया। सॉरी मिस एंडर्स, ये जामे सेहत तो हमारे हाथ से लुढ़क गया है। इससे पहले कि शराब हमारी जिस्म से होती हुई रगों तक पहुंच जाए मैं शेरवानी बदल लेता हूं, माफ कीजिएगा। Who is there? Singh Junior. Come in. Sir John, please forgive the intrusion. I must talk to you. Mr. Singh Junior, तुमने क्या खाया, सीना या टांग? सीना खाने जा रहा था, मजबूरी ने टांग अड़ा दी, मुझे उठ जाना पड़ा। मेरे फादर कहते थे खाने से उठा हुआ और मैदान जंग से भागा हुआ दोनों बदकिस्मत होते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाते हैं आप, लेकिन इस वक्त तकदीर मेरे पिताजी की जिंदगी का मजाक उड़ा रही है। आपको उनका टेलीग्राम मिला? उन लोगों ने धमकी दी है अगर 48 घंटे के अंदर 10 लाख नहीं मिले वो मेरे पिताजी को जान से मार डालेंगे। शरीफों के लिए तो दुनिया जहन्नम है। मेरे पिताजी की जिंदगी आपके हाथ में है। लेकिन 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। सर जॉन, एक दोस्त की जिंदगी के मुकाबले में 10 लाख कुछ भी नहीं। लोगों को धोखा देने आयो? तुमने तो नकली दाढ़ी मुझ लगाई है, इसी तरह दामन छुड़ाती रही तो असली दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास ले लूंगा। अच्छा है, इसी बहाने दुनिया से एक 400 कम होगा। सुनो, अगर तुम मेरा साथ दो तो सारी जिंदगी आराम से कट सकती है। कभी नहीं, तुम्हारे कहने पर चलकर मैंने बहुत सुख उठा ली, अब मेरा पीछा करते हुए तुम यहाँ भी चले? यहाँ तो मैं इत्तेफाक से आ गया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। चल गया ना, अब दफा हो जाइए। साली, तू कभी नहीं बदलेगी। I'm so sorry, चाय का कप मेरे हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं मिस एंड्रेस, ये तो चाय का कप था, आपके खूबसूरत हाथों से तेजाब भी गिर जाता, सरदार जी की खुशकिस्मती थी। दोस्तों, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आप लोगों का एक दूसरे से तारुफ करा दूं। काउंटेस रॉस मुसन।
जो इन्हें नहीं जानता। थैंक यू सर जॉन। ये हैं दुनिया की मशहूर स्टार ट्रेपीज आर्टिस्ट, और साथ ही आपको याद होगा वैन गॉग की तस्वीरों की चोरी। वैन गॉग की छह मशहूर तस्वीरें, सात है ना काउंटेस, और सात तीन मूर्तियां। काउंटेस तुम अगर हारत नहीं होता ना जी, हम तुम्हारा पांव को हाथ लगाता। तीन बरस पहला हम भी एक ऐसा ट्राई मारा होता। ट्राई तो हुआ नहीं, लेकिन हमको उल्टा मार पड़ गया। मिस्टर रोमियो KPW आयंगर ऑफ लंका, बहुत मॉडर्स्ट आदमी। मैं तुम्हें रोमियो कह सकता हूँ? पता है जी, अगर रोमियो बोलने में तकलीफ पड़ता है तो रोम निकाल दियो, मियो से भी काम चलेगा जी। इनके कारनामों की लिस्ट लंबी है। सबसे पहला वाकया द बैंक ऑफ सिंगापुर। सुभान अल्लाह, वो कमाल आपका था। कमाल तो आप दिखाता जी, हम तो आपका चेला है। कोई किसी का चेला नहीं बरखुदा, सब खुदा के बंदे। मैंने कर्नल कोलंबस से शर्त लगाई कि कैथरीन के खजाने से वो मशहूर हीरे चुराना इनके बस की बात नहीं। चंद महीनों बाद खजाना गायब हो गया और उनमें से एक हीरा मेरे पास पहुंचा जो 1000 पाउंड की शर्त से बहुत ज्यादा कीमती था, और उस हीरे को मैंने एक नहायत ही खूबसूरत गहने में सजा दिया। लेकिन गहना हीरे से ज्यादा खूबसूरत है। डॉक्टर दुबारी दुनिया के तमाम मजहब और तमाम धर्मों के पुजारी। मजलूम की आह पर लबैक कहना मेरा फर्ज है सर जॉन। सही है। तुम्हें बुलाया गया था रिसेंटली एक मजहबी कॉन्फ्रेंस के लिए जेरूशलम में, वहां पर किसी खास मजहब के नुमाइंदे बन कर गए थे आप? नहीं सर जॉन, इंसानियत का नुमाइंदा। मैं दुनिया के एक नहीं, हर धर्म हर मजहब को मानता हूँ। खैर, ये भी पहुंच गए जेरूशलम मजहबी किताब बगल में दबाए, और वापसी में सेंट टिमोथी का क्रॉस चुरा के चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मामूली सा काम है आपकी दुआ से। बरखुदा, आप राजा बहादुर सिंह के अजीज हैं? जी जी हाँ, मैं बहादुर सिंह का बेटा हूँ। जी मैं कुमार हूँ, SS कुमार। मैं अपने आप को बंबई का सबसे बड़ा चोर समझता था, लेकिन आप लोगों को देखकर तो मेरी हवा सरक गई। मैं तो एक मामूली अठाई गिरा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप जरा ये बताने की कोशिश करेंगे मिस्टर कुमार कि हुलिया बदलकर इस किस्म का मेरे इलाके में आने की जरूरत कैसे की आपने? जी मैंने कहा ना, मैं एक मामूली अठाई गिरा हूँ, इसलिए आया था भाइयों। तुम यहाँ बटन चुराने आए थे? जी बदकिस्मती थी मेरी, जो मैं इन चार दुनिया के माने हुए चोरों के घर में चोरी करने चलाया, जो उड़ती चिड़िया के पर काट लें और चलती लड़की की आंख से काजल चुरा लें। माय डियर बॉय एंड वन जीनियस, ये तो चोर लोगों का बादशाह है। सर जॉन, ये तुम्हारा नौकर लोग मार्वेलस, किधर से मिला? वहीं से जहां से बाकी सब चीजें मिली। ये सब भी चोरी का माल है क्या? एक कबीले के सरदार ने कई कैदियों को सजाए मौत दी थी। उन कैदियों में से 45 को बचा लाया, और तब से इन्होंने कसम खाई कि सारी जिंदगी ये मेरे वफादार ही रहेंगे। यानी के वफादार गुलाम? क्वाइट सो। जी हाँ, गुलामी की जब तक झलक ना हो वफादारी में मजा नहीं सर जॉन। डॉक्टर दुबारी, सर जॉन को परेशान मत कीजिए। दोशीजा, तुम्हारी आंखें दौलत की चमक से चौंधिया गई हैं। तुम्हें He is dying. ये मर रहे हैं। बीमारी क्या है? मेरा ख्याल है ये सब बताने से कोई फायदा नहीं। That's all right, Miss Anders.
जब मौत का वक्त करीब आ ही गया है तो खामखा रोकर क्या फायदा। बरसों से सर जॉन पेप्टिक अल्सर के मरीज थे, इन्होंने इसकी परवाह नहीं की। पिछले महीने से जब लगातार दर्द होने लगा तो डॉक्टर ने बताया कि शायद गैस्ट्रिक अल्सर, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया तो मैंने बंबई और लंदन से स्पेशलिस्ट बुलाए। सर जॉन अपने इलाके से बाहर जाना पसंद नहीं करते, इसलिए ट्रीटमेंट का सारा सामान यहीं मंगवाया गया। लगातार कई दिनों की कोशिश के बाद जो हमें पता लगा वो गैस्ट्रिक अल्सर नहीं बल्कि बल्कि कैंसर। यम्मा, कैंसर? रहम परवरदिगार, ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता। ये ऐसा जुआ है जिसे जिसे रोमियो भी नहीं खेलना पसंद करेगा। प्लीज सर जॉन, ये टाइम मस्ती करने का नहीं दिए। नाउ यू नो किस लिए आप लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। मिस एंडर्स का मैंने इंतजाम कर दिया और अपने नौकरों का भी। हाँ, मगर एक चीज बहुत ही परेशान और बेताब कर रही है मुझे। Have it. मेरे पास है। I knew it was you, Sir John. वाला ये ना बखोदा शिष्टी तबक नहीं है। हमको मालूम ये काम सर जॉन के सिवा कोई करे ही नहीं सकता जी। सर जॉन, एतराज ना हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ। द शालीमार रूबी मिस्टर कुमार। द शालीमार रूबी मिस्टर कुमार, दुनिया का सबसे बेशकीमत पत्थर। 1,214 carats. The market price, 135 crore Indian rupees. जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा। And I think, Dr. Dubari, you will agree, कि इतना बेशकीमत हीरा किसी ऐसे वैसे के हवाले कर दिया जाए, ये जुर्म है, ये गुनाह है। बेशक, गुनाह अजीम, गुनाह कबीरा। और बिला शक, आप चारों से बढ़कर कोई और इसका हकदार नहीं हो सकता। चंद दिनों बाद जब हम न होंगे तो चोरों के बादशाह का खिताब आप ही चारों में से किसी को मिलेगा। इस खिताब के लिए आपने किसको चुना है? वही जो शालीमार को चुराने में कामयाब होगा, और कौन? इसी डॉक्टर दुबारी, शालीमार के पाते ही मैंने अपनी तरफ से ऐसे इंतजाम करवा लिए कि कोई उसे चुरा ना सके। उस तरफ नहीं कॉन्टेस्ट, मैं बताता हूँ क्यों। ओह माय गॉड सर जॉन, एक स्टेप उधर रखता तो सीधा ऊपर होता। इसमें घबराने की क्या बात है, इसके नीचे थोड़ा बारूद बिछा रखा होगा, क्यों सर जॉन? परेशानी है बरखुदा, उससे भी खतरनाक चीज है। आइए चलते हैं बागे खास की तरफ। संभल के कर्नल कोलंबस, इन झाड़ियों से दूर रहिए। क्यों, क्या है इनमें? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके पास चलना भी खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। जरा छू के देखो, धमाके के लिए आपके जिस्म की गर्मी काफी होगी। कोलंबस, जरा इन झाड़ियों के ऊपर से अपना हाथ ऐसे करके फिराओ, फिराओ ना, कुछ नहीं होगा। की तरह
एग्जैक्टली लेफ्ट टू दिस कॉलम राइट राइट इसके नीचे क्या बारूद बिछी है नो प्रेशर अलार्म अफसोस है यहां से आगे मैं आप लोगों को नहीं ले जा सकता awesome. क्या जवानी है एक हजार 214 कैरेट दिल को झटका लगा जी इसको लेने को वास्ते हम तो तरते हुए मरने को तैयार जी वल्ला आज मालूम हुआ लोग हीरे की परस्तिश क्यों करते हैं कोलंबस का कहना है कि क्या मेल है फरिश्ते और शैतान का ये तो किसी बादशाह के ताज में होना चाहिए था कई ताजों की जीनत बना है सबसे पहले करीब 2000 साल पहले जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो ये उसके कब्जे में चला गया मेरे को मालूम शालीमार वैदिक टाइम बोले तो 3000 साल पहले कहे थे लेकिन रफीक सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से ये हीरा और उसकी बेटी दोनों बजरिया जंग हासिल की उस जमाने का तमाम हाल एक पत्थर पर नक्श किया हुआ हमने अपनी आंखों से देखा और करीब 1000 साल तक मिस्टर कुमार वो जानता ही नहीं था कि ये कहां खो गया है और एक दिन मुगलों के दौर में शालीमार बाग में पाया गया और फिर मुगलों से पोर्चुगीज ने छीना 1765 में और पोर्चुगीज से अंग्रेजों ने छीना 1796 में और अंग्रेजों से छीना कर्नल कोलंबस के परदादा ने शेर जमा टीपू सुल्तान के हुक्म पर 100 साल तक शालीमार गायब कुछ पता ही नहीं किधर गया फिर एक दिन मालूम पड़ा अमेरिका के एक अरबपति जॉर्ज हंट के म्यूजियम में और सीधे वहां से पहुंचे इस नाचीज के कब्जे में वाला। और यहां से बहुत जल्द आप में से किसी एक के कब्जे में चला जाएगा लेकिन जैसे कि आप देख चुके हैं इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा खतरा है मतलब जिसको ये मिलेगा वो इसे लेके भाग जाएगा सर हमारे पास एक और आइडिया भी है बोलो अभी तुम हमको उधर लेके चलो वो हीरा हमको दियो नहीं तो ये खंजर जो हम फ्रांस के म्यूजियम से मार के लाया है इतना शार्प है कि लोकन के अंदर ऐसे घुसता है जैसे मस्क में और तुम्हारा गर्दन तो उससे भी नरम है शेम ऑन यू ग्रीडी मैन शट अप तुम रखो अबे अब्राहम बहुत खूब रोमियो जवाब नहीं तुम्हारा जाते बकबक नहीं बकबक नहीं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों के बीच नाक की हड्डी को चीर कर कोई गोली निकल जाए तो बुरा लगेगा वो देखो सर जान तुम्हारा पुराना दोस्त रोमियो आयंगर 13 सेंचुरी का सबसे कीमती खंजर तुमको तोहफे में देता है इसको स्वीकार करके हमारा इज्जत बढ़ाना जी हम इस तोहफे को स्वीकार करते हैं रोमियो थैंक यू वेरी मच सचान 15 घंटे के थोड़े से वक्त में मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा
ये समझिए मौत की आंख में धूल झोंक कर यहां पहुंचा हूं। वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते थे, किसी तरह बच्चा बचाता सीबीआई ऑफिसर का भेष बदलकर मैं बहादुर सिंह के बेटे से मिला, उसे आपके बारे में मालूमात हासिल की, आपके नाम जाली खत तैयार किया, और फिर बहादुर सिंह का भेष बदलकर जिस तरह मैं यहां पहुंचा हूं वो मैं ही जानता हूं या मेरा दिल जानता है। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं मिस्टर कुमार, पर फैसला मैं नहीं कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, दैट्स फाइन। दोस्तों, कुमार साहब इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, हालांकि इन्हें बुलाया नहीं गया था। ये बचा लोग का काम नहीं है सर, इसमें भेजा लगाना पड़ता है, वो इसके पास किधर है? यू रोमियो, मिस्टर कुमार प्लीज। हारी बेवकूफी अभी हम सब देख चुके हैं। बिल्ली लोग का रेस में चूहा लोग नहीं दौड़ता है। ये तो वक्त ही बताएगा मैडम कि बिल्ली कौन और चूहा कौन है। वोट लेते हैं, कोलंबस एक वोट कुमार का, रोमियो मेरा मानेगा तो इसका सामान देके इसको अभी बाहर निकालो जी। एक हाँ हुआ एक नहीं, काउंटेस इट कुड बी क्वाइट अम्यूजिंग। हाँ, दो हाँ एक नहीं, डॉक्टर आपका क्या ख्याल है? ला हौल वला कुव्वत, कभी नहीं। दो हाँ दो नहीं, सॉरी फैसला नहीं हो सकता। किसी खास काम से तशरीफ ला रहे हो बरखुदा? ये क्या बारूद और सुरंग जांच निकालना है? अपनी अकल इस्तेमाल करो, तुमने कभी फौज में थे? लेकिन फौज में हमें इतना छोटा लत कभी नहीं लिएगा यार। एक दफा होटल में मैंने आपकी मदद की थी, उस वक्त आप बटलर थे। ला हौल वला कुव्वत, बरखुदार 40 साल से उन खुदा के बंदों की खिदमत कर रहे हैं। मैं ताज होटल की बात कर रहा हूँ। वल्ला याद आया, होटल की तिजोरी तुम तोड़ रहे थे, हमने तुम्हें पकड़ा, तुमने माफी मांगी, हमने फयाजी दिखाकर तुम्हें माफ कर दिया। तिजोरी मैंने तोड़ी थी, माल आप साफ कर गया था, उसमें कसूर हमारा नहीं बरखुदार तुम्हारा है। तुमने हमें बटलर समझा, एक चोर दूसरे चोर को जब ना पहचाने तो हिस्सेदारी का कोई हक नहीं रहता। चोर पहचानने में मेरा दिमाग नहीं चलता, इसलिए तो मैं आप चारों को ऊंची सोसाइटी के ऊंचे लोग समझ बैठा। अकेले तुम ही नहीं, सारी दुनिया से समझती है, इसलिए तो कामयाबी हमारे कदम चूमी है। लेकिन मुझसे क्यों डरते हैं? डरता नहीं, मौत के मुंह से निकाल कर तुम पे एहसान किया बरखुदार। क्या अंदाज है एहसान करने का डॉक्टर साहब, आप जैसे एक महापुरुष ने मगरमच्छ से बचाने के लिए बेचारी मछली को पानी के बाहर निकाल कर उस पर एहसान किया था। जी हाँ। अब आप लोग नंबर उठाएंगे और उस नंबर के मुताबिक एक एक शाम अपनी किस्मत आजमाएंगे। कुमार तुम भी उठाओ। इस मेहरबानी के लिए किसका शुक्रिया अदा करूं? जाजक अल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब, लेकिन रूल ये है कोई संगत नहीं होगी, मिलकर काम करने वालों को इस मुकाबले से फौरन निकाल दिया जाएगा। कोलंबस ये काम कैसे कर पाएगा, उसकी एक टांग तो नकली है। बेचारा कोलंबस, रोसा बस का नाटक है जे, उसका कुछ नकली नहीं, सब असली है। एट लंच टुडे हम उसका पांव में इतना नाइफ घुसाया उसको कुछ नहीं हुआ। उसका जिस्म लोखंड का है जे। कम ऑन रोमियो, 1 इंच का नाइफ का ब्लेड पांव में जाएगा तो कोई भी बोलेगा। शर्त लगाता है 4,000 का? अभी कैश नहीं है माय डियर रोमियो, बट हम वादा करता है तुम्हारा उधार हम किस भी तरह चुकाएगा। ये लोग क्या गा रहे हैं? पर खुदा, इन लोगों का अकीदा एक साफ खुला माकूस पर है, हर साल इसी वक्त उसका इंतजार होता है। पर सवाल ये है कोलंबस जाएगा कैसा? दीवार से, और कैसे? वल्ला नामुमकिन। अचार का शर्त लगाता है वो दीवार से जाएगा। मंजूर। हमसे शर्त लगाइए साहब, कोलंबस छत से जाएगा। शर्त मंजूर हुई रफीक। हमको भी जरूरत मंजूर। बट हाउ आर वी गोइंग टू सेटल द बेट्स? वो कौन सा रास्ता से जाएगा हमको कैसा पता चलेगा? वो भी पता चलेगा काउंटेस, आओ मेरे साथ। ओ सर जान, तुम क्या कर रहे हो? यू आर रियली अ जीनियस सर जान। आ गया मेरा यार छत पर। तुम गलती कर रहे हो मिस्टर कुमार, वो मेरा एक गार्ड है।
देखो यू लकी मैन, तुम बैठ जी क्या, उसका पाँव अच्छा है एंड कुमार ही इज ऑन द रूफ। माय गॉड, यहाँ कैसे पहुँच गए? खुदा जाने। तो शर्त कौन जीता फिर? क्या फर्क पड़ता है? सर, तुम अपना गार्ड लोगों को खबर नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोलंबस ने खुद तैयारी की है, उसे पूरी आजादी दी जाएगी और अगर वो चुराने में कामयाब भी हो गया तब भी हम उंगली तक नहीं उठाएंगे, सिर्फ इस बटन को दबाकर शालीमार पे का आखिरी हसरत की निगाह डालेंगे। The alarm, you brave man, alarm mat bolo. Yeah, like that, cha. You're not gonna get it, Zina. Oh, you know. No, boy, you know. You're not gonna. Hmm. I said, Zina, when you're gonna yell at home, is it Zina? Oh, you know. Well, it's Zina. No, no, wait. When you're not gonna. Oh. हमको पहला नंबर लगा होता तो कितना अच्छा होता जी। समझो मेरी जान, the electronic beam. I'm sure, कर्नल कोलंबस इलेक्ट्रॉनिक बीम से बहुत बार खेल चुका है कंटेस्ट। ख्याल है प्रेशर अलार्म इस रूम में कहीं है। Thank you.
May God have mercy on his soul. वो एक बहादुर था, वाकई बहादुर। किस्मत कोलंबस बेचारा। मैंने कोलंबस को चीखते हुए सुना है। आप में से किसी ने कोलंबस की चीख सुनी है? मिस्टर कुमार, माफिया गैंग ने जब उसे शिकागो में पकड़ा था तो उसकी जबान जड़ से उखाड़ दी और आवाज का हिस्सा भी गले से निकाल दिया, इसलिए चीखना तो कोलंबस के लिए नामुमकिन है। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने उसे चीखते हुए सुना है। सर जॉन, दवा का वक्त हो गया है। Can't you knock? Come on, Kumar. Jo kehna kaho and get out. I want you. Ye mazaak ka waqt nahi hai. I'm serious. Kumar, main Sir John ke payroll pe hoon. Lekin tumhara boda Sir John anqareeb marne wala hai. Marna to hum sabhi ko hai. Tum kya hamesha zinda rahoge? Lekin jaane man, jis din hum marenge, hamare muh se Columbus ki tarah cheekh nahi niklegi. You lousy, no good punk. You are a liar. कोलंबस गूंगा था, तुमने उसकी चीख सुनी, वो भी उसके मरने के बाद। झूठ। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? झूठ बोलने की आदत पड़ गई तुम्हें। मुंह खोलते हो, झूठ किस निकलता है। लेकिन इस बात में झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? डराने के लिए और क्या? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोलंबस को चीखते हुए सुना है। तुमने अकेली सुनी और किसी ने नहीं सुनी। कांप क्यों रही हो तुम? रंग तो पक हो गया तुम्हारा। मुर्दे की चीख का ख्याल आते ही बदन में कपकपी दौड़ जाती है। अगर तुम अपनी मोहब्बत का जरा भी यकीन दिला पाते तो मैं कभी तुम्हें छोड़ के ना आती। यही बात मैं तुमसे पूछने आया हूँ, मुझे अचानक छोड़कर चली क्यों गई थी? अपने आप से पूछो। मैं तुमसे पूछता हूँ। जाकर उस अमेरिकन लड़की से पूछो। उस अमेरिकन लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उसका बाप एक अमीर आदमी था, उसके पैसे से मैं फिल्म बनाना चाहता था। उसी तरह ना, जिस तरह तुमने मेरे पैसे अपने कसीनो में बर्बाद कर दिए हैं, वो पैसे जो अपना घर बनाने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से बचाए थे। शीला, रातों रात करोड़पति बनने के लिए आदमी को क्या क्या पापड़ ही बेलने पड़ते। करोड़, सौ या हजार नहीं, लाख भी नहीं, हमेशा करोड़ों की बातें, न कम न ज्यादा। That's what I like about you. तुम्हारी इन्हीं बातों में सब आ जाते हैं। मैं भी आ गई। बापने, हॉस्पिटल का डॉक्टर जलन याद है जो मुझसे शादी करना चाह रहा था? तुमने अपनी बातों से उसे मुझसे अलग ही नहीं किया, बल्कि ये भी समझा दिया कि उसे अपनी ही जात वाली किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। और मेरी माँ जो तुमसे मेरी सगाई के लिए तैयार नहीं थी, तो तुम किसी कर्नल को अपना अंकल बनाकर उसके पास ले आए। और बेचारी, वो अब तक तुम्हें हिंदी फिल्मों की हीरो की तरह भोला भाला शरीफ और अच्छा बच्चा समझती है। मतलब तुम लगातार सबको धोखा ही देते रहे। तुमने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, कोई बात नहीं, तुम आर्मी से निकाल दिए गए, मैंने कहा जाने दो, इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करती रही। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी कुमार, सोचा था इन झूठी बातों के पीछे शायद एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन उस अमेरिकन लड़की के बारे में जानने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी, ना शराफत। हे, अब भी तुम्हें शीला चाहिए? ना, मुझे ये शीला नहीं चाहिए जिसने एक मरते हुए बूढ़े की दौलत हासिल करने के लिए उसे अपने जाल में फांस लिया है। आयो काउंटेस, हम सोचा भी नहीं कि तुम इतना रात को इधर आएंगे जी। यस रोमियो, हम उधार चुकाने को आया। I honor my debts. तुम हमको चक्कर में डालता थी। हम आज रात ट्राई मार के शालीमार लेकर निकलने वाला था। गार्ड लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि एक रात में दूसरा ट्राई भी चालू। You have pursued me, Romeo, for years. प्यासा आदमी का मफ है। तुम्हारा लिप्स तक आ गया। And you're throwing away. Throwing नहीं जी, अगर जाम पीने को चालू किया तो शालीमार जाता है, और अगर शालीमार लेने को गया तो जाम जाता है। नहीं जाएगा, शालीमार भी नहीं, जाम भी नहीं। Midnight, शालीमार, tomorrow night. ऐसा भी हम बेईमानी करता होता, हमारा नंबर दूसरा नहीं चौथा है। एंड इंडीड इट शुड बी दूसरा होएगा या चौथा, लेकिन तू हमारा होएगा, माय स्वीट रोमियो। मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया और आप ही मुझे छोड़ गए डैडी। काश आज आप मेरे पास होते डैडी। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही चेहरे बदल जाते, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते।
लाहौल वाला कुआं इस तरह मिलकर काम करना हमारा जमीर नहीं मानेगा। लेकिन उनको पता कहाँ चलेगा? बेडरूम्स में कैमरास नहीं है। ये क्लोज सर्किट टेलीविजन लगवाने का आइडिया मेरा ही था, वरना मुझे आधी आधी रात को उठकर सर जॉन को व्हीलचेयर पे बिठाकर पूरे महल में घुमाना पड़ता था। शुक्रिया, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन लेकिन कहीं ऐसा ना हो। मत करो अजीजा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कलंबस यही समझता था। वो बेवकूफ लापरवाह था, हम ऐसी गलती नहीं फरमाएंगे। लेकिन अंकल आपको शालीमार की क्या जरूरत है? सख्त जरूरत है। मगर क्यों? हमें तुम्हें बताया कुछ महीने पहले तुम्हारी मांग ली थी? हाँ बताया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा वो तुम्हें नहीं बताने दिया? जानती हूँ माने क्या कहा होगा, वो मैं नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? आप इतनी साफ हिंदुस्तानी कैसे बोल लेते हैं? मैं हिंदुस्तान में कई साल गुजार चुका हूँ, और माँ के मरने के बाद जिस आया ने पाल पोस का बड़ा किया वो भी हिंदुस्तानी तो थी। लीजिए आपका हाथी है। दिमाग बहुत तेज है मिस्टर कुमार। दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन जब दौलत कमाने का वक्त आता है तो साला काम नहीं करता। उन लोगों का कितना कर्जा है तुम पर? कोई 10 लाख के करीब। बदमाशियां की होंगी? नहीं, दूसरों के रुपयों से करोड़पति बनने की कोशिश की थी। करोड़ बनना तो एक तरफ रहा, पति भी नहीं बन सका। बेचारा। लेकिन आप इस चक्कर में कैसे फंस गए? सट्टेबाजी। आपके लिए तो तेजी ही तेजी रही होगी। खाक तेजी। 10 साल तक लोगों कर्जे उतारते उतारते जान निकल गई थी कुमार मियां, फिर जंग छिड़ गई। तुम ध्यान नहीं दे रहे कुमार, मैं तुम्हारी रानी उड़ाने वाला था। शौक से आजकल तो आपकी किस्मत बहुत तेज है। सर जॉन, अब आपको आराम करना चाहिए, वक्त हो गया है। मेरे ख्याल से आपकी नर्स ठीक फरमा रही है, आपको बिस्तर पर जाना चाहिए, या फिर आज का शो भी तो कैंसिल है। नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा कुमार, ये समझ करके कोलंबस खत्म हो गया है और मेरे गार्ड आराम कर रहे होंगे। तो काउंटेस, ये खेल देखने में मजा आएगा, इस औरत की स्टाइल पर तो दुनिया फिदा है।
चाल तो अच्छी है पर तकदीर साथ देगी या नहीं कौन जानता है। तकदीर के खाक साथ देगी, पीछे गार्ड जो खड़ा है। तो क्या हुआ, पहली छलांग में वो बाहर की गार्ड से निपटेगी। दूसरी छलांग में खिड़की से कूदकर अंदर की गार्ड का सफाया कर देगी। पिछले हफ्ते आप ही तो काउंटेस की खूबियां गिनाते रहे थे, सुबह 3 बजे 3 घंटे तक। तकदीर बनाई नहीं गई, लिखी गई है। ऐसे खूबसूरत जिस्म को फना करने से पहले मौत खुद क्यों नहीं मर गई? हमारी याद में वो हमेशा जिंदा रहेगी। सज्जन, मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता। ये मौका फिर नहीं मिलेगा? जिंदगी भी बार बार नहीं मिलती। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहे जा सकते हो। ठीक है, मैं कल सुबह जाना चाहता हूँ। डोगरो, डोगरो तुम्हें छोड़ाएगा। डोगरो, उन ईंटों में कुछ फर्क है? ये बिल्कुल बीच में जो है, गौर से देखो, इन ईंटों में और उस ईंटों में काफी फर्क लग रहा है मुझे। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। नहीं, नकली भी हो सकती है शायद। मेरा ख्याल चेक कर ही लो डोगरो। गुड नाइट सर जान। रामजी, मैं क्या सोच रहा हूँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता शादी नहीं करूंगा। कुछ बन नहीं जाता या करोड़पति नहीं बन जाता? ठीक कहती हो तुम। जिंदगी का हर वो जख्म में जिसका कोई इलाज ना हो, पर दौलत ही मरहम का काम कर सकती है। और तुम्हारे जख्म तो कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। लाख रुपए से तो भरेंगे नहीं, करोड़ चाहिए। अम्बेसडर और फियत से तो काम नहीं चलेगा। लेटेस्ट मर्सिडीज हो, 450 SE, 2 doors, 4500 CC, 8 track। याद है मुझे कितने डरावने सपने आया करते थे। हाँ, तुम कब्र में लेटी हुई हो और कोई तुम्हें पास खड़ा घूर रहा है। हाँ, कुछ देर पहले मुझे एक वैसा ही सपना आया। मैंने देखा कोलंबस कास्केट में लेटा है, उसका बदन गोलियों से छल रही है और वो मुझे पुकार रहा है, पास ही डरी खड़े। टेरिफिक आइडिया फॉर अ हॉरर मूवी। हाँ, रुपया कमाने के लिए मुझे कोई आइडिया मत दो शीला, मैं तो करोड़पति बनने के लिए पहले ही पागल हूँ। जॉन से तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? दिल्ली में, तुम्हारे पास से मैं दिल्ली चली आई, वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने तो सुना था तुम अपने गांव चली गई हो। गई थी, लेकिन एक ही दिन में भाग आई। क्यों? क्यों क्या, मुश्किल से 10-12 घंटे रह पाई घर में। माँ ने टोक टोक कर जीना हराम कर दिया। अरे लड़की, न जाने तुझे कब अकल आएगी। स्कर्ट मत पहना कर, स्कर्ट पहननी है तो टांग पे टांग डालकर बैठा कर, चलते वक्त लहराया मत कर, जल्दी से तेरी शादी कर दूंगी, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रखा है, ये वो नाक में दम कर दिया, भाग आई घर से। फिर दिल्ली शेरिटन होटल में मुझे नर्स की नौकरी मिल गई। और जब सर जान को रूम सर्विस की जरूरत पड़ी तो खिदमत के लिए तुम्हें पेश कर दिया गया। वेरी फनी। क्या करती हो सर? दरअसल उन्हें देखभाल की जरूरत है। कुमार, कभी कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी किसी और की कहानी है जिसे मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। काश मैं भी अपनी कहानी दोबारा लिख सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी कुमार, शादी करना चाहती। तुम्हारे कहने पर चलकर मैंने बहुत सुख उठा लिया। इसके बावजूद भी तुमसे प्यार करती रही, प्यार करती रही। तुम्हें एक इंसान, एक साथ, 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 एक साथ,
आज जरूरत से ज्यादा प्यार दिखा रही हूँ किस लिए? यही तुम्हारा दिल बहलाने के लिए।
दिल बहलाने के लिए नहीं, तुम खुशामद कर रही हो अपना काम निकालने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? ये इतने डॉम से किसने निकाली थी? सर जॉन का मखौरा बनाने के लिए, और इस काम के लिए तुम मेरी मदद चाहती हो, है ना? मैं मानती हूँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन इस तरह की मदद नहीं। मत, चाल समझ गया, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। सादिक, यू लव मी नो गुड। आज रात को भूतों के सपने आए हैं। आई हेट यू। لما بيري دباهي कुमार, बरखुदार कुछ देर पहले एक धमाका सुनाई दिया है। जी हाँ, काउंटेस मारी गई, दो जा चुके हैं और दो जाने वाले हैं। मैंने अपना नाम वापस ले लिया। मौत के डर से? डॉक्टर, आदमी खतरों पर फतेह पा सकता है, लेकिन मौत को नहीं जीत सकता। बरखुदार, हमारी एक बात याद रखना, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो जो मौत से घबराते हैं। जानते हो वहां क्या हो रहा है? कबीले के लोग अपने देवता की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। अकेले तुमने ही चीख नहीं सुनी थी, सजान के सिपाहियों ने भी सुनी। अब हमारा कर्नल कोलंबस उनका नाग देवता बन गया है। खुला माकूस।
लेकिन इसमें इतनी ताज्जुब की क्या बात है? बिल्कुल है, जिस आदमी के गले में लैरिंग्स ना हो वो कैसे चीख सकता है? ये गले का हिस्सा देख रही हो, इसमें कुछ जान रही होगी और अचानक गोली लगने से आवाज पैदा हो गई, बस इतनी सी बात है। अपने कबीले के लोगों से कहो कि परेशान ना हो, ऐसे वाकत मेरी जिंदगी बहुत बार देखे हैं, समझे? जंग के दौरान देखा कि गर्दन कट गई और दिल घंटों धड़क रहा है। गुलाम बस एक इंसान था, भगवान नहीं, जो उसने गुलाम आकाश के रूप में दोबारा जन्म लिया हो। जैसी आपकी मर्जी सर जॉन। कोशिश बेकार है सर जॉन, जैसे अपना देवता मान चुके हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तम। तो मैं क्या करूं? मेरी मदद करो और क्या, किसी भी तरह डॉक्टर दुबारी को रोक लो। खुफिया रास्ता जो तुम्हें मालूम है बता क्यों नहीं देती? वो मेरी मदद लेने से साफ इनकार करते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर दुबारी की मदद के लिए तुम तो शालीमार पाने का मौका खो देना चाहती हो। वो मेरी धर्म पिता है, माय गॉडफादर। क्या लगते हैं तुम्हारे? हाँ कुमार, मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताया कि मेरे डैडी और डॉक्टर दुबारी साथ साथ काम करते थे। बड़ी से बड़ी तिजोरी तोड़ देना डैडी के लिए बाएं हाथ का खेल था, और तुम्हें पता है मैंने डैडी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने घर के कंपाउंड में खेल रही थी, मैंने देखा डैडी सड़क क्रॉस करते हुए घर की तरफ आ रहे हैं। और बस तब से, डैडी की डेथ के बाद से, डॉक्टर दुबारी ने मुझे अपनी बेटी की तरफ पाला। कभी ये महसूस न होने दिया कि मैं यतीम हूं। प्लीज कुमार, प्लीज, वी मस्ट स्टॉप हिम। कुछ भी हो शीला, तुम्हारे धर्म पिता बड़े संकट में है। वो बूढ़े हैं और वो बूढ़े ही नहीं, उन्हें दिखाई भी कम देता है। मैं जानती हूँ कुमार, उनकी दोनों आंखों में मोतियां उतर आया है, उनको हमें रोकना होगा। डरती हूँ कुमार, कहीं दोबारा यतीम ना हो जाऊं। ये रहा डॉक्टर दुबारी का मकबरा, जो शालीमार हासिल करते करते शहीद हो गए। बहुत खूब, हमने कहा था मुकाबले में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह जरूर लेंगे। खुदा के बंदों की खिदमत करते करते आपको शालीमार की लालच कहाँ से आ गई? और फिर इस उम्र में शालीमार हासिल करके क्या करेंगे आप? शराब आप छूते नहीं, औरत आपको छूती नहीं। बरखुदार, औरत और शराब दोनों गुनाह अजीम है। हम तो इतना जानते हैं कि जवान को औरत चाहिए, बूढ़े को दौलत। दौलत के लालच में कोलंबस अकाउंटेंट्स का क्या हिस्सा हुआ, ये आपने देखा है ना? वो तो जवान थे, आप बूढ़े हैं, मोटे हैं। तुम जैसे 4-8 को सीधा कर सकता हूँ दो दो हाथ के साथ, समझे? छोड़िए मजाक छोड़िए, आप इतना बताइए, डॉक्टर होते हुए आप कौन से डॉक्टर से अपनी आंखों के इलाज करवाते हैं? एक मिनट, इतनी दूरी से आप बता सकेंगे मेरी कमीज पे कितने बटन है? ये ना रहना खुदा इस पहर ना बहना ना ले पतमीज। तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तुम तो मुकाबले में हिस्सा भी नहीं ले रहे, या किसी और के कहने पर मुझे रोकने पर तुले हो, हैं? पर खुदा अपना भला सोचो। रहा मेरा सवाल, मैं आज रात को इस जजीरे से शालीमार लेकर शीला, वो हजरत कहाँ है? मिस्टर कुमार? कुमार अपने कमरे में है, खाना भी वापस भिजवा दिया, दर्द है पेट में। कैसा लोग है जी, एक तो जबरदस्ती ग्रुत के आता है, ऊपर से नगरा दिखाता है।
देखो जी, ये दोनों मिलके काम करता है, जिसे चीटिंग। लेकिन इसने तो अपना नाम वापस ले लिया था। क्या बोलता है जी, ये बटन चोर क्या शालीमार चोरेगा? लेकिन इसमें कुमार की कुछ चाल है। खिलाफ है। हाँ, अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों को निकाल दिया जाएगा, लेकिन मिलकर कर रहे हैं। कुमार अपनी तरफ से खामखा डॉक्टर दुबारी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। आप ही ने तो कहा था। नो रूल इज रूल, गेट कुमार। ऐसे कच्चे खिलाड़ी को डॉक्टर दुबारी ने साथी कैसे बना लिया? डॉक्टर दुबारी शालीमार पाने के लिए पागल हो गया था। उसने मुझे इतनी रिश्वत दी कि मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। लेकिन आपके रूल के मुताबिक मेरे साथ साथ आपको डॉक्टर दुबारी को भी इस हिस्से से अलग कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर काम नहीं किया। क्या बेवकूफी कर रहे हो? अपना अपना पिस्तौल इस्तेमाल करो।
कि इंसाफ। कैसा इंसाफ? साफ नजर आ रहा है वो पकड़ा जा चुका, तुम उसे मुकाबले से अलग क्यों नहीं करते? शीला कह क्यों नहीं देती डॉक्टर दोबारी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मालूम है इन्हें। डॉक्टरों को भी औरों की तरह मौका दिया गया, वो जानते थे इस खेल में जिंदगी को बहुत खतरा है। असल मत करो सरजान, किसी की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। और बड़ी बड़ी कारों में चोरी स्मगलिंग और मुनाफाखोरी करते वक्त तुम लोगों की शक्लें जरूर मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन तुम्हारी हंसी एक जैसी होती है और उस हंसी के पीछे मौत का डर हमेशा नजर आता है। बस करो प्लीज। इससे इसके गंदे गुनाहों की बू आती है शीला। अपनी ही गंदगी को जब तुम दूर नहीं कर पाते तो उसे दूर करने के लिए आप बड़े बड़े दिमाग और जिस्म ढूंढते हैं। खून और कत्ल करने के लिए क्या क्या तरीके ढूंढ रखे हैं तुमने। मासूम लोगों को गुमराह करने के लिए कौम, आजादी और इंसाफ जैसे बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम जैसे शैतान ना इंसाफ जानते हैं और ना तुम्हें किसी कौम की परवाह है। तुम्हें परवाह है तो सिर्फ अपनी। कुमार, तो मैं नहीं डरता। जान से मार डाले लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। कोलंबस ने सिर्फ चीख मारी थी लेकिन मैं इसकी सारी जिंदगी चीखों से भर दूंगा। मिस्टर कुमार, तुम्हारी जबान गंदी जरूर है लेकिन मजा आया सुनकर। I'm sorry, sir John. हम अपना नाम वापस लेता। बस इतनी जल्दी तुम हार गए रोमियो? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हासिल करोगे, तुम्हारा नाम होगा दुनिया भर में रोशन। थिंक। जिंदगी बहुत कीमती है सर जान, तुम्हारा शालीमार से भी ज्यादा। किसी हमारा एक बुढ़ा माँ है, उसका हमारा सिवा कोई नहीं। जब तक वो जिंदा है हमको जिंदा रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली श्योर रोमियो? एब्सोल्युटली श्योर सर जान। Any comment, Mr. Kumar? A rule is a rule. Play the game or forfeit. बिल्कुल सही। ये बात रोमियो की बूढ़ी माँ को कौन समझाएगा? You know, जब रोमियो 14 साल का था, चंद रुपयों के खातिर भाई की जान ले ली। वो जंग अब भी जारी है मिस्टर कुमार। खुद जिंदा रहना है तो दूसरों को मार डालो, यही जिंदगी का उसूल है। मर गया मैं जिंदा हूं। तो आप बीमार नहीं थे? वो एक ढोंग था हमदर्दी हासिल करके दुनिया को बेवकूफ बनाने का। हाँ, वो वाकई एक ढोंग था। लेकिन वो एक्सरे, वो भी दिमाग का कमाल था। एक्सरे प्लेट में सूरज का गोला देखकर तुम कैंसर समझ बैठी। वो स्पेशलिस्ट जो बंबई और लंदन से आए थे, मेरे सामने उन्होंने कैंसर बताया था। इस दुनिया में दौलत से क्या नहीं खरीदा जा सकता। एग्जैक्टली मिस्टर कुमार, उन तमाम डॉक्टरों को मैंने दौलतमंद बना दिया। लेकिन लेकिन ये सब किस लिए? किस लिए? मन की शांति। मैं सुन ही पाया कई परसों से, सुबह शाम दिन रात हर वक्त मेरे मन में
दी। किस बात की? शालीमार और क्या, 12 साल तक डर और खौफ। जब तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बिंदी हीरा हो, यू नो कि हर आदमी उसे चलाने की कोशिश करेगा। मुझे मामूली चोरों की परवाह नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स, तेज चालाक, चंद गिने चुने लोग, सिर्फ वही पांच जो मुझसे मेरा कीमती शालीमार छीन सकते हैं। फिर तो उन्हें अपने रास्ते से हटाना आपके लिए बहुत जरूरी था, पर इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा किस लिए? उनके खाने में जहर मिला दिया होता वो सब मारे गए होते। Why the bloody game? क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं खूनी नहीं कुमार। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? मुझे भी इस बिल्ली चूहे के खेल में हिस्सा लेना होगा। तुम्हारा क्या करूं, आई डोंट नो। क्यों, डर लगने लगा है मुझसे? कहीं आपका शालीमार चुरा के भाग ना जाऊं? मजाक अच्छा है। तो मैं जा सकता हूं ना? अगर तुम मुझे विश्वास दिला दो कि वो ईंटें तुमने नहीं बदली। इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूं? आपके कहने के मुताबिक तो इस मैदान में मैं एक बच्चा हूं। ये काम तो किसी पहुंचे हुए चोर का हो सकता है, कोलंबस या रोमियो। मेरा शक दूर नहीं हुआ। इस काम के लिए औजार चाहिए सरजान, और औजार मैं अपनी जेब में लेकर नहीं घूमता। वो काम मेरा था। यस, आई डिड इट। उन ईंटों को निकालने में मुझे 3 महीने लगे। बट तुमने क्यों? मैं नर्स की जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती हूं मैं। एक बूढ़े मरीज की देखभाल कब तक करती रहूंगी? सरजान, आपको बेवकूफ बनाना बिल्कुल मुश्किल है। आप इतनी सी बात नहीं समझ सके। अगर शीला के कहने पर मैं डॉक्टर दुबारी की मदद नहीं करता तो शायद आपने मुझे अब तक जाने दिया होता। हकीकत यह है कि वो ईंटें मैंने बदली हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ कि असली ईंटें कहाँ छुपाई। कुमार, तुम पागल हो गए हो। शीला, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हमदर्दी का सवाल नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मेरी समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहती हो। मैं ये कहना चाहता हूँ ईंटें मैंने। आई थिंक तुम दोनों ये खेल खेलोगे। दोनों को किस लिए? ईंटें मैंने बदली हैं, मैं इस खेल के लिए तैयार हूँ। शक का क्या इलाज? ठीक है, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, तुम यही ठहरोगे मिस्टर कुमार। ऐसे वक्त पर शराब मरहम का काम करती है। ब्रांडी फॉर मिस्टर कुमार। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीब है मिस्टर कुमार। जब जंग खत्म हुई मैं पेरिस में था। काले बाजारी में बिजली टूट पड़ी। वो नहीं चाहते थे कि जंग खत्म हो। मुट्ठी भर राशन के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता। एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े रहने में आपको तकलीफ होती थी, इसलिए आपने चोरी की आसान लाइन अख्तियार कर ली। एग्जैक्टली। वो पहला कारनामा जो मैंने अंजाम दिया इतना जबरदस्त था कि मुझे लगा जैसे जंग फिर से शुरू हो गई। तुम्हें यकीन है कोलंबस के मुंह से चीख निकली थी जबकि वो गूंगा था, मर चुका था? क्यों, आपको यकीन नहीं आता? मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर मिस्टर कुमार, माय प्राइवेट बाथरूम। थैंक यू वेरी मच। गार्ड, उठाओ इस लाश को।
रोशनदान में भी तलाश किया, कहीं भी नहीं। वो बोरा सामने भाग के जाएगा कहां? बावर्ची से कहो जरा मसालेदार चिकन तंदूरी बनाए। बकवास करने की क्या जरूरत है कि ईंटें तुमने बदलेंगे? थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? ये काम तुम भी कर सकते थे। शीला, मैं नहीं चाहता था तुम मारी जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम के समझ इन छोटे छोटे हजारों से इस कैंची से तुम शाली मार चुरा लो। क्यों? बारूद, इलेक्ट्रिक बीम, सबका पता लगाने की हथियार तो है मेरे पास। हिम्मत है? देखो शीला, मैं किसी तरह भी शालीमार चुरा के ले जाऊंगा। मेरे पास पूरा प्लान तैयार है। तुम्हारे प्लान हमेशा बर्बादी का रास्ता दिखाते हैं। थोड़ी देर चुप रहो तो मैं कुछ सोच सकूं। सोचने के लिए एक अदद दिमाग की जरूरत होती है कुमार साहब। ठीक है, खुदकुशी करनी है तो जाओ मरो। मेरा शीला, एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए सर जॉन हमें देख रहा है। ये साला बुड्ढा तो हमेशा देखता रहता है। इसे जलाने के लिए एक दफा मेरे सीने से लग जाओ। बस एक बार, डार्लिंग, प्लीज। अब तक नजर नहीं आया।
जमीन खा गई, हवा में उड़ गई, हरामजादा गया कहां? हो सकता है वो पानी में कूद गया हो सर जॉन। पानी तक पहुंचे और स्क्रीन पर नजर ना, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ वही यही कहीं जाओ ढूंढो से। लेकिन चंद सेकंड बाद तो खुद ही मर जाएगा। अंदर गए हो उसी तरह बाहर निकल कर बताओ तो हम तुम्हारे गुलाम हैं। पुजिन थावान वा गनो कर कर इंजन वाइज तुम यहां जमा आ का तो जाओ जाओ कर कर दो भैया ना आप भाई चढ़ जीने भैया चल तो मीरा
तेजाब से टेस्ट कर रहा है कुमार, दिस इज एन इंसल्ट। तुम समझते हो मैंने नकली शालीमार रखा है? क्या फंस गया ना कुमार भैया? आप बाहर कैसे निकलोगे? आदमी से कहता हूं उसे छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारा ये रूप ही मैं आग लैंप में फेंक दूंगा।
दूंगा। छोड़ दो इसे, जाने दो। सर्जन, तुम अपने आप को सर कहते हो, तुम तो पैर कहलाने का भी काबिल नहीं। शालीमार मिला? उल्लू का पट्टा। हेलो, कमी चला आया, कमी चला आया। हेलो मुखिया, हेलो मुखिया। हेलो, कब आई ना पन्नतिया? कौनसी बनेगी? मौके पर मास्टर अलार्म ऑन करने की बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने जिस तरह मुझे गले लगाया उसका तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू। अब तक सर घूम रहा है, अब क्या? चारों तरफ बारूद की सुरंगें बिछी हुई हैं। इस वक्त निकलना खतरनाक होगा, बेहतर होगा सुहाने तक इंतजार कर रहे। लेकिन मेरे लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने हाथ जरा अपने पास ही रखें। आई एम सॉरी। जन्म दिया जिनको तुमने, क्यों दस लिया उनको नाग
देवता जाग देवता जाग देवता जाग देवता जाग देवता Come on.
सुन रहे सुन भाई, बल्कि करिश्मा है। करिश्मे की बुनियाद एक रबर का बनियान, बुलेट प्रूफ जैकेट और टोमेटो सॉस का रंग। यानी इंसानों की तरह मौत को भी धोखा दे दिया। तुम जिंदा हो, मैं खुश हूं। ये क्या हो रहा है? आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर जॉन। आपका हमसे वादा था सर जॉन कि आपके बाद शालीमार के हकदार हम होंगे। उसके बचाने में हमारे 18 आदमी की जान गई है। मैं उसे वापस ले आऊंगा। हमारे आदमी को जिंदा कर सकोगे? इनका परवरदिगार कोलंबस सर जॉन इंसाफ चाहता है। इसका मतलब मुर्दे चीखते हैं? हाँ सर जॉन। से जिंदा है। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें खुद लेनी होगी। टोकरो बस पास ही बोट है। मैं थक गई हूँ। मुझे खा लो शिला।
करने के लिए राजा बहादुर सिंह भी नीचे आ चुके। राजा बहादुर सिंह? Oh my God! उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? उसे हर बात को पता रहता है। तू इत्मीनान से मत बैठो, कुछ करो कुमार। अगर हमें के हाथ आ गए, शालीमार तो जाएगा ही। जान से भी हाथ धो बैठेंगे। ये लोग हमें डर की तरह मार डालेंगे कुमार। प्लीज प्लीज कॉल द पुलिस। क्यों मजाक कर रही हो शीला? मजाक नहीं कुमार, शालीमार वापस करेंगे तो कम से कम पुलिस हमारी हिफाजत तो करेगी। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। We are not to be disturbed. कुमार, सरजान बेवकूफ नहीं था कि इतनी आसानी से शालीमार हमें ले जाने दिया। दरअसल शालीमार खोकर उसने अपनी सारी तकलीफें हमारे गले डाल दी। कमबख्त खुद चैन की नींद सोता होगा और हम। ये शालीमार नहीं कुमार, बीमारी है सरजान की। लेकिन शीला, ये शालीमार मैं तुम्हें सुहाग रात पर देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तोहफा, हम लोग जिंदा रहे ये मेरे लिए बहुत है। सोच लो, बाद में पछताओगी तुम। नहीं नहीं पछताऊंगी।
दिल से कह रही हूँ। हाँ हाँ दिल से कह रही हूँ। यही सुनने के लिए तुम्हें बेचैन था। I love you, Sheila. Operator, put me to CBI in Bombay. Superintendent Gupta. Immediately, please. Thank you. तो तुम आर्मी से कभी निकाले नहीं गए? नहीं, दरअसल आर्मी से ही मुझे सीबीआई के लिए सिलेक्ट किया गया था। एक अरसा से शालीमार सीबीआई वालों के लिए सरदर्द बना हुआ था और इसी कश्मकश में हमारे बहुत से एजेंट्स मारे गए। आखिर ये काम मुझे सौंपा गया। चोरों के इस इंटरनेशनल गैंग को खत्म करने के लिए मैं एक मामूली चोर बनकर उनमें शामिल हो गया। और मेरी जिंदगी भर की कमाई भी शायद इसीलिए इस्तेमाल की गई। हाँ, और उस अमेरिकन लड़की से मोहब्बत भी एक दिखावा था। शीला, सच में जितना दुख मैंने तुझे पहुंचाया है उसे कहीं ज्यादा मैं दुखी हूं। दिस इज एजेंट 3694 डिवीजन 4 सेक्शन 2। मैं स्टारलाइट होटल से बोल रहा हूं। आपको जानकर खुशी होगी शालीमार मिशन कामयाब रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। हम बेवफा